को दिवाली का तोहफा। नेशनल हाईवे 30 में सर्वाधिक एक्सीडेंट वाली जगह पर बनेगा ओवरब्रिज। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पत्रकारों को दी जानकारी। मनगवां वासियों को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा, सर्वाधिक एक्सीडेंट वाली जगह मनगवां चौराहे पर ओवरब्रिज बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता करके दी जानकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पत्रकार वार्ता करके नेशनल हाईवे 30 पर रीवा से 30 किलोमीटर दूर स्थित मनगवां चौराहे पर, जो कि नेशनल हाईवे में आता है, ओवरब्रिज बनाने की बात कही है। इस बारे में एक सर्वे कराया गया था, इस जगह पर सर्वाधिक एक्सीडेंट क्यों होते हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से ओवरब्रिज बनने के बाद यहां पर आए दिन होने वाले एक्सीडेंट पर रोक लगेगी। मंगमा में प्रोन जोन है आपका, वो जो त्यूनी वाली सड़क आती है वहां पर एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मैंने जब मांग की उसमें, तो फिर एक जाँच कमेटी गडकरी साहब से मिले और उनसे बातचीत की, बातचीत करके आया तो एक जाँच हुई। जाँच में उसका है कि व्हीकल कितने चलते हैं, तो जैसे 10,000 व्हीकल चल रहे हैं तो 10,000 व्हीकल का 10% लगा करके उसकी संख्या करीब 3,000 के आसपास आती थी। तो 3,000 भी नहीं होना, कम से कम जब 10,000 होगा तब वो ब्रिज बनेगा। तो हमारे सामने समस्या होगी, जो हमने सर्वे कराया था तो उससे नहीं फिट हुआ। फिर मैंने कहा कि कोई ऐसा प्रोविज़न लाओ जिससे इसके अतिरिक्त होता हो। उसमें एक कालम लिखा हुआ, कालम ये लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट डेथ कितनी हो रही है, तो फिर ये नाम से नहीं लगेगा। तो फिर मैंने SP को कहा, पूरे FIR निकलवाई, तो 2 साल के भीतर 65 डेथ हो गई थी। 65, आप समझना, 65 डेथ हो गई थी, और उसमें से FIR करीब 100 के आसपास है जिसमें इंजर्ड है। तो जब हमने ये प्रस्ताव करके फिर से भेजा तो वो मान लिया कि हाँ ठीक है, अब वो मंजूर हो गया। इसी महीने मैं उसका भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। हाँ, बन गई।